इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 4.4 जो कि हमारा अगला चैप्टर है। इससे पहले 4.3 का सारा क्वेश्चन करवा दिया गया, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के फोल्डर में जाकर के स्क्रॉल करके नीचे देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम समझते हैं प्रश्नावली 4.4 में क्वेश्चन नंबर पहला का पहला, क्योंकि पहला नंबर क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन दिया गया है तो पहला का पहला नंबर क्वेश्चन हम समझेंगे। इससे पहले कि जब इस क्वेश्चन को समझे, इससे पहले मूल की प्राकृतिक हमको पता होनी चाहिए कि मूल की प्राकृतिक आखिरकार है क्या। ठीक है, चलिए आप लोग को हम कल दिए थे याद करने के लिए, अगर याद हो गया तो ठीक है, अगर नहीं याद होता तो फिर से बता देते हैं कि जब डी का मान, जब डी का मान और जीरो, इसके बीच में हमको रिलेशन बनाना है, कुछ समझना है यहाँ पे। जब डी का मान जीरो से अधिक हो, डी का कुछ भी मान आ जाए नंबर के रूप में, वो जीरो से अधिक हो, यानी इसके साथ कैसा संघ बनाएगा, जिस तरफ अधिक होता है उस तरफ बड़ा संघ, तो जीरो से अधिक डी का मान कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी आ रहा है, तब जब इस कंडीशन हो तो उसको बोलते हैं मूल मूल वास्तविक वास्तविक तथा असमान होगा। चलिए क्या बोलते हैं, मूल वास्तविक तथा असमान, इसका मतलब समझ गए, कोई भारी चीज नहीं है, खाली जीरो और डी के बीच में कंपैरिजन करना रहता है। तो डी का मान जब जीरो से अधिक हो, डी का मान यानी प्लस में कोई भी संख्या हो, 1 हो 2 हो 572 हो कुछ भी हो, तब जो है मूल कैसा हमारा बनता है, मूल का मतलब x का जो मान है वो कैसा बनता है, वास्तविक तथा असमान। असमान कहने का मतलब इधर कुछ नंबर आएगा उधर कुछ नंबर आएगा, कितना हम देखे हैं कि इधर 5 आ जाता है वैल्यू, उधर आ जाता है कुछ और, ठीक है ना। तो यही चीज पहला चीज इंडिकेट करता है। दूसरा क्या होता है कि कभी कभी हम जब डी का मान निकालते हैं ना, तो डी का मान इक्वल आ जाता है जीरो के। ठीक है, कितनी बार देखे डी जितना है उतना मान कितना आ गया, जीरो के बराबर आ गया। तो मूल वास्तविक, इसके मतलब क्या होता है, मूल वास्तविक तथा बराबर होगा, मूल वास्तविक तथा बराबर। जब भी देखिएगा अगर डी का मान जहां जीरो आएगा ना, वो मूल तो वास्तविक रहेगा, साथ ही साथ जो इधर मान आया है वही उधर भी मान होगा। ठीक है, इस पैटर्न के अनुसार। और जो थर्ड है, थर्ड क्या कहता है कि डी और जीरो के बीच में कुछ ऐसा संबंध हो। ऐसा संबंध कब होगा, हम कह रहे हैं कि जीरो बड़ा हो और डी का मान छोटा हो, ये तभी पॉसिबल है जब डी का कुछ ऐसा वैल्यू हो जो कि नेगेटिव में हो, जैसे कि -1 -1 अगर यहाँ रहा और जीरो यहाँ रहेगा तो इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो जीरो बड़ा होगा इसके अनुसार। ठीक है, तो डी का मान अगर जब नेगेटिव में हो तब ये तीसरे वाले टॉपिक को फॉलो करता है और यहाँ पे हम इसकी मूल नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देंगे मूल संभव नहीं है, मूल संभव नहीं है, बस यही तीन वर्ड जनरली इसी को समझना है। ठीक है ना, समझ गए, इसका मतलब प्लस में कोई भी संख्या आएगा तो उसको कहते हैं मूल वास्तविक तथा असमान होगा, डी का मान अगर एग्जैक्टली जीरो आ जाए तो मूल वास्तविक तथा बराबर होता है, और डी का मान जब जीरो से जीरो बड़ा हो और डी का मान छोटा हो कब होगा, वो तभी होगा जब कोई भी नंबर जो है माइनस में काउंटिंग होने लगे तब, क्योंकि जीरो से छोटा हमेशा माइनस वाली संख्या होगी। ठीक है ना, तो वहां पे हम लोग कहते हैं कि मूल इसका निकालना संभव नहीं है, उसको मूल हम नहीं निकाल सकते, उसका वैल्यू आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस तीनों टॉपिक के बारे में बात करना था, अब इसी को अच्छा से समझा दिए। अब चलिए क्वेश्चन में हमको जिस तरीके से दिया है उसको समझना है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ नहीं है, मूलों की प्राकृतिक याद करने के लिए कहता है। ठीक, तो मूलों की प्राकृतिक तो जनरली हम अभी इतना क्वेश्चन बना है उसमें हम जाने मूल कैसा होता है, लेकिन प्राकृतिक के बारे में नहीं समझे, प्राकृतिक के बारे में ठीक एक लाइन जोड़ना है उसमें और कुछ भी नहीं। अगर मान लीजिए इसको हल करने चले, ठीक है, हल करने जाएंगे तो a बराबर क्या लिखेंगे 2, यहाँ पे b बराबर क्या लिखेंगे -3 और c बराबर क्या लिखेंगे 5, सिर्फ और सिर्फ यही, उसके अलावा कुछ नहीं। अब इसके बाद जब d निकालने जाएंगे ना तो d का फॉर्मूला लगाएंगे b² - 4ac। ठीक है, d बराबर b की जगह -3 है, यानी -3 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 5। कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का स्क्वायर ऑटोमेटिक प्लस, और प्लस लिखने का कोई जरूरत नहीं, 3 का स्क्वायर 9 -4 × 8 और 8 बचे क्या हो जाएगा 40, और ये जब घटाएंगे, ठीक है ना, तो इन दोनों में घटने के बाद क्या हो जाएगा, जब माइनस वाला बड़ा हो तो माइनस साइन लग जाएगा
और ये क्या आ जाएगा 31, ठीक है। तो देखिए आपको हम अब यहां तक इसको सॉल्व किया, क्या आ गया इसका मान 31। अभी हम बताएं कि कब मूल संभव नहीं होगा, जब d का मान जो है 0 से क्या बोलता है 0 बड़ा हो, d का मान 0 से छोटा आने लगे। 0 से छोटा मतलब वो कि माइनस में संख्या होनी चाहिए, तो ये माइनस में आ गया। अब इसका मूल हम कभी भी नहीं निकाल सकते हैं, जब भी देखना जनरली अभी तक तो बनाए तो एक को ऐसा मैच नहीं मिला, लेकिन यहां पे देखिए कि जी जो है डी का मान माइनस में आया है, कभी डी का मान जब भी माइनस में आ जाएगा उसके बाद हम इसको हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्लस में 31 आता तो इसको और आगे हल किया जा सकता था, यहाँ पे आया है क्या माइनस में 31, तो इसको हल नहीं किया जा सकता है। हम लिख देंगे मूल संभव नहीं है, मूल संभव नहीं है, ठीक है ना। या फिर एक लाइन और जोड़ सकते हैं, ऋणात्मक का मूल संभव नहीं है, ठीक है ना। ऋणात्मक का मूल संभव नहीं है, डी का मान कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए, या तो जीरो आ जाए या तो प्लस में कुछ भी संख्या आ जाए, लेकिन माइनस में नहीं आना चाहिए। माइनस में जब भी आएगा तो मूल संभव उसका नहीं होगा। क्या होता है, चलिए अब काहे संभव नहीं है थोड़ा सा इसके बारे में जान लें, आखिर आपको पढ़ना नहीं है लेकिन समझने के लिए बता दें। इसको मिटा दें, पॉज करके इसको लिख दीजिएगा अच्छा से। चलिए देखेंगे, आप कोई भी संख्या का जो रूट होता है ना, जो रूट जो फॉर्मूला हम लिखते हैं एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस ऊपर में बी बटा टू है ऐसा लिखते हैं, चलिए बी पुट हो जाएगा, ए पुट हो जाएगा। जब बी पुट करने जाएंगे रूट के अंदर जो माइनस 31, इसी का कभी भी मान हम नहीं निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे प्लस में 31 रहता तो इसको कुछ भी लिख सकते थे, या फिर रूट अंदर 31 भी लिख सकते थे, लेकिन माइनस 31 रूट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इसको नहीं सोचा जा सकता है कि अभी भी इसको रूट में माइनस कभी भी हो, अगर रूट में 31 होता तो ये कहीं ना कहीं काम देता, लेकिन ये जो माइनस में आ जाएगा ना तो इसको कभी भी हल नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ऋणात्मक का मूल संभव नहीं है। चलिए ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है उसको बना, ये हो गया यहीं पे कंप्लीट, इससे आगे नहीं बनेगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन ठीक इसी तरीके से दो क्वेश्चन और हैं, एक बना देते हैं और एक अंतिम क्वेश्चन जो छोटा छोटा क्वेश्चन है तुरंत हो जाएगा, ठीक है ना। 3x² सेकेंड क्वेश्चन, 3x² उसके बाद -4 रूट अंडर 3x, उसके बाद +4 इक्वल टू 0। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बता चुके हैं। जनरली इसमें ए बी सी फाइंड कर लेना है, ए बराबर 3, बी बराबर -4 रूट अंडर 3 और सी बराबर 4। डी सिंपली जैसे निकालते हैं वैसे निकाल देंगे, B² -4 AC पर -4 रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर निकालना है यहाँ पे, -4 इंटू ए की जगह हो जाएगा 3 और सी की जगह हो जाएगा 4। इस तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का स्क्वायर ऑटोमेटिक प्लस, लिखने का जरूरत नहीं, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ठीक है। ध्यान रहे कि यहाँ रूट का स्क्वायर जो होता है वही संख्या हो जाती है, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 का जब रूट 3 का स्क्वायर निकाले जाएंगे तो 3, तो देखिए 4 का तो इसका हो गया 16, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 इसके अंदर में गुना में, और ये मिलके क्या बनेगा 48, क्योंकि इसका भी वैल्यू हमको लेना है ना कि इसको छोड़ देना, इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो गुना का संबंध है इस तरीके से 48। इसको सॉल्व किए 16 + 16 = 48, ये भी 48 ही आया, ठीक है। फिर इसको मिला, इसको सॉल्व किया 48, तो डी का मान क्या आ गया 0। अब जो है डी का मान जब 0 आएगा तो हम क्या बताएं, अभी मूल वास्तविक तथा बराबर होगा, मूल वास्तविक तथा बराबर, इस बात को लिख लेना है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें लिखना ही जरूरी है, ठीक है। यहां तक निकाल दिए, जब बराबर है तो उसका मूल तो निकाल सकते हैं ना, माइनस वाला रहेगा तब ना नहीं निकाल सकते हैं, जब आ गया तब तो निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला लगा देंगे x बराबर -b + -d / 2a, x बराबर -b, बी जगह देखिए तो -4 रूट अंडर 3 है, और माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट ले लेंगे। अब देखिए प्लस माइनस रूट अंडर 0 / 2 इंटू ए, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 3। इस पैटर्न पे इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, इसको लिख सकते हैं 4 रूट अंडर 3 प्लस माइनस रूट 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 और 3 होने का 6,
एक बार इसको प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे, 4 root of 3 plus 0 divided by 6 और उसके बाद 4 root of 3 minus 0 divided by 6, 0 जोड़िए या नहीं जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम बोल सकते हैं 4 root of 3 by 6, इधर भी 4 root of 3 by 6, दो के डिनोमिनेटर कट जाएगा, 2 दूनी का 4 और 2 दिया 6, यानी टोटल यहां से वैल्यू मिलेगा 2 root of 3 by 3 और यहां भी मिलेगा क्या 2 root of 3 by 3, हो गया यहां पर आंसर। और ये दोनों क्वेश्चन बन करके खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद का इसका एक और क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन को अपने से बना लीजिएगा, बस यहां पे पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक है। एक दो क्वेश्चन बता दिए उसके बाद ये खत्म हो गया, इसके बाद एक क्वेश्चन आप अपने से बनाइएगा। बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चे जो है, देखिए जो सर मैथ समझाते हैं इतने अच्छे से समझाते हैं कि हम लोगों को समझ में आता है, सभी बच्चों को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और खूब मेहनत कीजिए और खूब मन लगा के पढ़िए।